हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते व हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई के बेटे से फिरौती मांगी गई है। आरोपी ने 10 करोड़ की फिरौती मांगी है और पर्ची लिखकर यह फिरौती मांगी गई है। यह घटना हिसार में हुई। सूत्रों के मुताबिक देर रात एक युवक हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई के घर में एक पर्ची फेंक कर गया। पर्ची उनके बेटे भव्य बिश्नोई के नाम की थी। पर्ची में भव्य बिश्नोई से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई। फिरौती के पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। एक बार फिर से बता दें, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते व हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई के बेटे से फिरौती मांगी गई है। आरोपी ने 10 करोड़ की फिरौती मांगी है और पर्ची लिखकर यह फिरौती मांगी गई है। यह घटना हिसार में हुई। सूत्रों के मुताबिक देर रात एक युवक हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई के घर में एक पर्ची फेंक कर गया। पर्ची उनके बेटे भव्य बिश्नोई के नाम की थी। पर्ची में भव्य बिश्नोई से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई। फिरौती के पैसे ना देने पर उनकी जान से मारने की धमकी दी गई। इस बारे में जानकारी के लिए बात करते हैं हिसार से हमारे संवाददाता राज कुटारिया के साथ। जी राज, क्या जानकारी है इस मामले में? कोमिका, ऐसा है कि जो हजका के अध्यक्ष हैं कुलदीप बिश्नोई, ये आदमपुर हल्के के विधायक भी है, उनका लड़का है भव्य बिश्नोई, जिसे जो है 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। ये फिरौती एक पत्र द्वारा सेक्टर 15 स्थित उनके निवास पर भेजी गई है और उनके जो प्रेस सचिव है संजय गौतम, उन्होंने जो है पुलिस के इसका मामला दे दिया गया है और उसकी जांच की जा रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या तथ्य है। जी जी राज, क्या किसी पर किसी तरह का शक जताया गया है परिवार की तरफ से? ऐसा कोमिका, जो पत्र आया गया है उसके ऊपर को बलदेवा नामक युवक का नाम लिखा हुआ है। वो मदरोडा गांव पानीपत की तहसील के अंदर है, पानीपत जिले की तहसील में, वहां का रहने वाला बताया जाता है, जिन्होंने 10 करोड़ की फिरौती मांगी है कुलदीप बिश्नोई से। उसके बच्चे को अगर 10 करोड़ रुपया नहीं दिया गया तो उसके लड़के को गोली मार दी जाएगी। जुराज पुलिस से उसने इस बात की भी धमकी दी है कि पहले भी उन्होंने कोई बलदेवा नाम का आदमी बताया गया, जिन्होंने अलीपुर तहसील है मतलब पानीपत के अंदर, उसने कहा कि पहले भी हमने एक सरपंच को और उसके अधीक्षक को गोली मारी थी, इसी तरह हम इसको भी गोली मार देंगे। जी जी राज, पुलिस की तरफ से अब कैसी कार्रवाई की जा रही है, कैसे इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है? जो धमकी और पत्र मिला है उसके बारे में भी जांच कर रही है और उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है, किसी ने सच्चाई से ही धमकी बड़ा पत्र वाक्य में दिया गया है या ये किसी ने मजाक किया है। जी राज, इस धमकी के बाद क्या किस तरह की सुरक्षा बढ़ाई गई है उनकी? कोमिका, ऐसा है कि फिलहाल तो उनके जो समर्थक है, उनके जो सचिव है, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो लोग अभी फोन पे अवेलेबल ही नहीं है। उन्होंने या तो अपने फोन स्विच ऑफ कर लिया या आउट ऑफ द रेंज जा रहे हैं। अभी उनसे इस बारे में कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि ये बाहर रहते हैं और फिलहाल जो सिक्योरिटी उनको मिली हुई भी है, लेकिन अगर इस बात में कोई तथ्य सामने आती है, सच्चाई सामने आती है, तो निश्चित है कि उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाएगी। जी राज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते भाजपा प्रमुख कुलदीप बिश्नोई के बेटे से फिरौती मांगी गई है। आरोपी ने 10 करोड़ की फिरौती मांगी है और पर्ची लिखकर यह फिरौती मांगी गई है। यह घटना हिसार में हुई है। सूत्रों के मुताबिक देर रात एक युवक हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई के घर में एक पर्ची फेंक कर गया। पर्ची उनके बेटे भव्य बिश्नोई के नाम की थी। पर्ची में भव्य बिश्नोई से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई और फिरौती के पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।